हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है राशन कार्ड में खाद्य रसद विभाग में जो है आप लोग जहां से पहले से जो है सूची निकाल रहे थे, अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर रहे थे अपनी स्लिप जो है, वहां से अब जो है स्लिप डाउनलोड होना बंद हो चुका है। अब इसकी एक न्यू साइट है जहाँ से आप लोग बहुत आसानी से अपनी राशन कार्ड की स्लिप निकाल सकते हैं। साइट यही है दोस्तों, लेकिन इसी पर साइट में दूसरी जगह से आपको निकालना पड़ेगा, जिसमें आपको OTP भी की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बिगर OTP के आप कैसे निकालेंगे ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। जहाँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले की तरह आप जब इस किसी भी राशन कार्ड को निकालते हैं इस लिस्ट से, तो यहाँ पर आपका नाम तो दिखाई देगा, ज़रूर दिखाई देगा, आपका नाम, पिता का नाम जो है, और बाकी यूनिट आपके सारे दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे किसी भी राशन कार्ड को निकालने के लिए उस पर, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस बैक उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर से आप जो है आगे गए हैं बढ़ करके अपना जिला सेलेक्ट करके। तो दोस्तों, इसे आप कैसे जो है आसानी से निकालेंगे, किस वेबसाइट से जो है बिना किसी एरर के, तो आपको हम बता दें। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसकी होम वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो खाद्य रसद विभाग की जो है होम वेबसाइट, अगर जो आप नहीं जानते हैं तो उसको हम डाल देंगे, जो है EFCS.UP.Government.in। इस वेबसाइट पर, इस प्रकार के होम पेज पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में कुछ हमें लिखा हुआ मिल जाएगा, महत्वपूर्ण लिंक्स। तो इस पर जो है हम क्लिक करके यहाँ से ये कुछ आप ऑप्शन पा जाएंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है राशन कार्ड की पात्रता सूची, तो सूची पर अगर जो क्लिक करेंगे तो आप जो है इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो हमें पात्रता सूची पर क्लिक नहीं करना है, हमें जो है क्लिक करना है राशन कार्ड, आप जो है राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोज, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो हम एक जो है न्यू पेज पर आ जाएंगे, इस प्रकार से देखेंगे, जिसमें आपको आपकी राशन कार्ड संख्या मांगेगा। तो राशन कार्ड संख्या आप लोग यहां से नाम के जरिए जो है देख करके निकाल सकते हैं। फिर आपको यहां पर अपनी राशन कार्ड संख्या को इंटर कर देना है, इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूं। इसमें मैंने अपना जो है राशन कार्ड नंबर डाल दिया, फिर ये जो कैप्चा जो दिख रहा है आपको, इस कैप्चा को इसमें इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, पात्रता सूची में खोजने हैं तो OTP की प्राप्त करें, यानी कि आपको OTP इसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी, जिसका मोबाइल जो मोबाइल नंबर आपको इसमें रजिस्टर्ड होगा वहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर कुछ अंक उसके जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 8915, इस प्रकार से आपको जो OTP मिल जाएगी, तो आपको अपनी OTP इसमें इंटर करके अपनी जो है राशन कार्ड स्लिप निकाल लेना है, आसानी से निकल जाएगी। अगर जो आपके राशन कार्ड पर नंबर नहीं लगा हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे, उसका भी आपको हम प्रोसेस बता देंगे। कई प्रोसेस हैं दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर हम दिखा दें, एक ये वाला राशन कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें बाकायदा आपके फ़ोटो के सहित जो है आपको राशन कार्ड की स्लिप मिलने वाली है। इस राशन कार्ड को आप कैसे निकालेंगे उसके लिए भी हम आपको बता देंगे, बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रोसेस एक हो गया। दूसरा प्रोसेस आपका जो है, बता दें हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा NFS की पात्रता सूची, अगर जो आपके वो जो है राशन कार्ड पर नंबर नहीं लगा हुआ है, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप जो है पुरानी वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जो पुरानी वेबसाइट आपकी है उस पर आ जाएंगे। इसमें आपको जो है किसी भी नंबर या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल राशन कार्ड नंबर इंटर करना है। यहाँ पर जो इसका कैप्चा कोड है उसे इंटर कर देना है, ठीक, कैप्चा कोड इंटर करेंगे, फिर खोज पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो ये दोस्तों अभी जो है यहाँ पर सर्वर दिक्कत चल रहे हैं, जिसके कारण ये यहाँ से नहीं निकल रही। बाकी आप जो है इस पुराने वाली वेबसाइट से आप जो है अपना राशन कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको OTP भी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी जो जिस साइट से पहले आप निकाल रहे थे, उस साइट से आप जो है राशन कार्ड निकलना बंद हो चुके, आप निकल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, इसका जो है इस प्रकार के फ़ोटोज की तरह, जैसे आपको हमने राशन कार्ड दिखाया है जिसमें फ़ोटो वगैरह सारा कुछ लगा है, आपका नाम वगैरह सारी डिटेल पड़ी है, वेरीफाइड जो है राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके बारे में मैंने पूरा ट्यूटोरियल जो है अपने चैनल पर बहुत जल्द ही डालने वाला हूँ, जिससे आप देख करके जो है अपना भी डाउनलोड कर पाएंगे। जिसके लिए हमारे जो है चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, हमारी वीडियो को एक लाइक करना होगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारी वीडियो को एक लाइक कर लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।